ओके। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा KFC का जो है पार्सल। देखते हैं बच्चों ने वैसे आज मंगवाई थी जो है बकेट। ये यहाँ पर इन्होंने दिए हमें दो लार्ज, हमने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज मंगवाए हुए हैं, ये यहाँ पर दो मौजूद हैं, टू पैक्स हैं, वन है टू, ठीक है। और Amna, are you happy? Yes. Thank you, Mother. Welcome. और ये यहाँ पर इन्होंने हमें बकेट तो नहीं दी, बकेट के बजाय इन्होंने हमें आज इसमें नाइन पीसेस की होती है, दिखा देती हूँ मैं आपको, बकेट में होती है वैसे ही, आज इन्होंने इसमें दिया है हमें होम डिलीवरी में। तो ये नाइन पीसेस की मील होती है, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं, फ्रेंच फ्राइज मैंने अलग से मंगवाए हैं। एक इसकी 1500 की डील होती है, नॉट स्पॉन्सर्ड। एक इसकी 1500 की डील होती है जिसमें बकेट भी होती है और जो है दो कॉल फ्लो भी देते हैं वो, जो कैबेज वाली सलाद होती है और साथ कोल्ड ड्रिंक एंड एक फ्राइज भी होता है। तो ये है हमारी आज इंशाल्लाह ताला KFC की जो है पार्टी कर रहे हैं इफ्तारी के बाद। और आपने अभी जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अभी इस खाने पीने के बाद अपना एक बेहतरीन सा फेस मास्क ऑन माय ड्रेसिंग। देखेंगे मेरा कैमरा भी, मेरी ड्रेसिंग भी और मेरे साथ रहेंगे। आ गए मेरी ड्रेसिंग पर और आज मैं आपके साथ भी ये एक फेस मास्क शेयर कर रही हूँ क्योंकि ईद आने वाली है, ईद पर सोशल डिस्टेंस तो रखना है बट आपस में तो एक दूसरे से मिलना है ना। और इंशाल्लाह आगे बहुत सारे अच्छे से जो है मैं फेस मास्क आपके साथ शेयर करती रहूँगी क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ब्यूटिशियंस थे कराची के। अच्छा, मैंने बहुत अच्छा आज से 10 से 12 साल पहले ब्यूटिशियन कोर्स भी किए हुए और आई हैव अ वेरी वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इन दिस फील्ड। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपने इस एक्सपीरियंस को भी शेयर किया जाए। अभी मैं एक ऐसा मास्क बता रही हूँ जो हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं और आप इसको लगाएंगे तो आपका फेस एकदम से, जिनके अगर पोर्स वगैरह भी थोड़े भी खुले हुए हैं तो वो जो एकदम से जो है, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह पोर्स के मुतालिक, ब्लैक हेड्स के मुतालिक आपके साथ ऐसा ऐसा शेयर करने की कुकिंग के साथ साथ अपनी कोशिश करूँगी। तो इसको मास्क को लगाते ही आपकी जो है ना स्किन इंशाल्लाह एकदम से ग्लोइंग करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी, ग्लो होगी ना एकदम से। तो ये बहुत आसान सा मास्क है। अच्छा, इससे पहले आपने अपने फेस को जो है बिल्कुल क्लीन कर लेना है। तो क्लीन करने के लिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ मैं क्या यूज़ करती हूँ। मैं लेती हूँ क्लीन एंड क्लियर का ये मॉर्निंग बर्स्ट, ये बहुत ज़बरदस्त है फेशियल क्लेंज़र। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1000 की रेंज में आ जाता है ये, लेकिन जो है आप इसको यूज़ करेंगे, है मॉर्निंग बर्स्ट लेकिन मैं इसे दिन रात इसी से जो है मुँह धोती हूँ, मॉर्निंग हो नाइट हो ये बेस्ट इसके रिजल्ट है। अभी मैं फेस इसी से वॉश करके आई हूँ। एक ये वाला यूज़ करती हूँ मैं इसका, एक क्लीन एंड केयर का ये मॉर्निंग एनर्जी भी है जो कि प्योरीफाइंग एप्पल बनाता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। एक और बता देती हूँ कूल एंड कूल, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका भी यूज़ करती हूँ वाइटनिंग फेस वॉश, लेकिन यूजुअली जो डेली यूज़ होता है वो ये है। तो चले मास्क का बताते हैं। यहाँ पे लिया हुआ है मैंने एक बनाना, ठीक है, और इसमें लिया है मैंने ये हाफ़ टी स्पून के जितना हनी, और हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हाफ़ लेमन। तो इसको जो मैं इसमें स्क्वीज कर लेती हूँ, और बस हम इसे स्पून की मदद से जो है ना अभी मैश कर लेते हैं, मैश करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो है हम अपना मास्क अप्लाई करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छा सा मैश कर लें इसको, और खूब अच्छी तरीके से ब्लैक सर्कल्स के नीचे भी, नोज़ पे भी, अपने जो है माथे पे, पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लें। और इसको आप छोड़ दें तकरीबन 20-25 मिनट्स के लिए। इसको लगा के या तो एसी है तो एसी में बैठ जाइए, नहीं है तो पंखे के नीचे बैठ जाइए ताकि अच्छे से सूख जाए, ठीक है। अब ब्लैक सर्कल्स के नीचे लगाने के लिए हमेशा इस फिंगर को यूज़ कीजिए, ठीक है ना, अच्छे से लगा ले। ये एक केले का मास्क आप जो है आराम से अपनी गर्दन पर, हमेशा कोई भी मास्क अप्लाई करें तो प्लीज़ अपनी जो है गर्दन पर भी लगाया करें, आगे भी और पीछे भी, फ़ायदा नहीं है वरना आप सिर्फ मुंह पे लगा लें और आपके जो है हाथ पैर और गर्दन जो है वो फ्रेश ना लगे, तो एक जैसी लुक आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं हाथों पे भी अप्लाई करूँगी अपने,
और कोई भी मास्क लगाएं तो कोशिश करें थोड़ी देर जो है खामोश रहा करें, चुप रहा करें, ताकि जो है आपका मास्क वगैरह अच्छे से लगा रहे, सेट हो जाए और कोई रिंकल्स ये वो ना पड़े। तो इसको मैं 20 मिनट बाद जो है आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, और फिर फेस वॉश करते हैं अपना। सो चुके हैं मुझे, तो मैं कर लेती हूँ उसे, आप भी इसे अच्छे से सिंपल वाटर से पहले वॉश कर लें और फिर किसी अच्छे से फेस वॉश से मुंह को अपने क्लीन कर लें। तो मैं आपको वॉश करके इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख लें आप लोग मेरा जो है फेस, माशाल्लाह से स्किन देख लीजिए ग्लो कर रही है, सही है। आपने भी इसको लगाना है और जो है मुझे बताना है कि अगर लगाया तो रिज़ल्ट कैसा आया। इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है, इंस्टा पे अपने पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करने हैं। किचन विद फरिया बलोच के साथ मौजूद हूँ मैं वहाँ पर। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय रेनोवेशन वीडियो, जो लोग नए हैं अभी तक नहीं देखी या भूल गए हैं या मिस हो गई है तो ज़रूर देखें मेरी रेनोवेशन की वीडियो भी और मेरी सहरी रूटीन की भी वीडियो, जो अभी दो दिन पहले मैंने कल सहरी रूटीन की शेयर की, उससे पहले रेनोवेशन की, और आज दिस केएफसी पारी एंड माई फेस मास्क ऑन माई ड्रेसिंग। तो इंशाल्लाह एक नए जो है प्यारे से वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।